नमस्कार साथियों, 49 दिन से अधिक से लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर न्याय की गुहार मांग रहे हैं। पूरे देश में देश का 62 करोड़ अन्नदाता गरीब खेत मजदूर अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोग साधारण किसान जगह जगह आंदोलनरत है और मोदी सरकार द्वारा बनाए 3 काले कानूनों को खत्म करने की गुहार लगा रहा है। 66 से अधिक किसानों ने 66 से अधिक किसानों ने अभी तक दिल्ली की सीमाओं पर दम तोड़ दिया, अपनी कुर्बानी दे दी। पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल नहीं पसीजा। कोई दिन नहीं जाता जब एक से अधिक किसान काल का ग्रास नहीं बन जाता। पर प्रधानमंत्री जी ने आज तक सांत्वना का एक शब्द देश के अन्नदाता किसान के लिए नहीं कहा। देश का किसान केवल एक मांग कर रहा है और वो मांग है 3 काले कानून खत्म करिए। पहले दिन से ही जब रात के अंधेरे में अध्यादेश आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग स्पष्ट है कि ये 3 काले कानून किसान विरोधी हैं, खेत और खलिहान विरोधी हैं और इन्हें फौरी तौर से खत्म करना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री राहुल गांधी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि ये 3 काले कानून हिंदुस्तान के संविधान पर कुठाराघात हैं, प्रांतों के अधिकार पर कुठाराघात हैं और इन्हें फौरी तौर से समाप्त करना चाहिए। इससे कम कोई और सॉल्यूशन मंजूर नहीं। कारण बड़ा सीधा है जो कांग्रेस ने बताया, क्योंकि इन 3 काले कानूनों के माध्यम से मोदी सरकार सरकारी खरीद, राशन प्रणाली और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली, इन तीनों को खत्म करना चाहती है। 8 दौर की वार्तालाप, 1 महीने से अधिक में सरकार द्वारा बनाई केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनाई कमेटी से हुई। सरकार हर बार अपनी जिम्मेवारी को टालती रही और साथियों, हद तो तब हो गई जब 8वें राउंड की वार्तालाप के बाद देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने आप सबके सामने कहा, किसानों अगर तुम्हें हम पर विश्वास नहीं, तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर धकेलने का प्रयास भी किया, पर किसान संगठन जो आंदोलनरत हैं, उन्होंने बार बार कहा कि वो किसी हालत में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। आदरणीय मित्रों, अब आज के संदर्भ में बात करें तो आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल और आज दोनों दिनों में देश के उच्चतम न्यायालय ने भी जो वास्तु स्थिति बॉर्डर्स पर बनी है, क्योंकि शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से अपना विरोध दर्ज करने आ रहे किसानों को सरकार आने नहीं देती दिल्ली में, उन्हें जबरन सड़कें खोदकर बॉर्डर पर रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रति कल अपनी निराशा जाहिर की थी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज फिर अपनी चिंता किसान के प्रति जाहिर की और सरकार को सच्चाई का आईना दिखाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने कल यह भी कहा था कि अगर आप कानून खत्म नहीं करते तो हम इन्हें स्टे कर देंगे और कानून को लागू करने की प्रणाली को अस्थायी तौर से, टेम्परेरी तौर से सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी और रोक लगाकर वार्तालाप के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बना दी। मैं उस कमेटी पर आऊं उससे पहले यह कहूंगा, हमारे देश में प्रजातंत्र के 3 स्तंभ हैं, कानून बनाना और कानून खत्म करना, विधायिका यानी संसद और प्रांतों में प्रांतों की
असेंबलीज का काम है। उन कानून गलत हैं या सही संविधान की परिपाटी पर, यह काम अदालतों का है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। और प्रशासनिक अमला, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहते हैं, वो प्रशासनिक अंग है और ये तीनों अंग इंडिपेंडेंट है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई और कहा कि ये किसानों से वार्तालाप करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया और चिंता जाहिर की, वो स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता से हम भी अपने आप को जोड़ते हैं। पर साथियों, उस 4 सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, उसका हमने अध्ययन करने का प्रयास किया और वो काफी चौंकाने वाला है, काफी अजीबोगरीब है, क्योंकि हमने ये पाया कि वो चारों सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से ये निर्णय कर रखा है और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही हैं। किसानों से तीन काले कानून को खत्म करने वाली कमेटी के सदस्यों ने पहले ही ये कह दिया कि ये तीनों काले कानून सही हैं और किसान गलत हैं, किसान भटके हुए हैं। तो ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी, ये प्रश्न एक नागरिक के तौर पर हमारे जहन में अवश्य उठता है। मैं एक एक करके आपको ये कागजात भी भेजूंगा। पहले सदस्य हैं कमेटी के अशोक गुलाटी जी, उन्होंने बाकायदा ये लेख लिखा और कहा कि ये तीनों कानून जो हैं वो बिल्कुल सही रास्ता और सही चीज है, और ये भी कहा कि अपोजिशन यानी विपक्षी दल वो भटक गए हैं और किसान भी शायद भटक गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अशोक गुलाटी उस कमेटी के सदस्य कह रहे हैं। और बड़े अजीबोगरीब तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले से ही कह रहा हूं कि इन कानूनों के फायदे किसानों के समझ नहीं आ रहे, ये अशोक गुलाटी जी का कहना। उसके दूसरे सदस्य हैं पीके जोशी साहब, जो शायद एक इंस्टीट्यूट के हेड भी हैं, उन्होंने भी ये लेख लिखा और वो तो एक कदम और भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा ये कानून भी ठीक हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। मैं आपको अंग्रेजी में लेख है, उसकी 2 लाइन पढ़ता हूं। उन्होंने कहा, पीके जोशी साहब ने एक ज्वाइंट आर्टिकल लिखा और कहा, द फार्म एजुकेशन्स डिमांड टू रिपील द 3 फार्म लॉज एंड लीगलाइज मिनिमम सपोर्ट प्राइस बैफल्स अस। वो कहते हैं मैं इससे बहुत चौंक गया, गिवन द एप्रिहेंशन ओवर द इंपैक्ट ऑफ लॉज ऑन द फार्मर्स आर मोस्टली मिसप्लेस्ड। तो बोलते हैं किसान जो है वो भटके हुए हैं, उनका उनकी जो सोच है वो सही नहीं है। और आगे जाके उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार को खेती की उपज खरीदनी पड़ेगी तो सरकार के लिए तो यह संभव ही नहीं, सरकार को खेती की उपज खरीदनी ही नहीं चाहिए। एंड आई कैन रीड इट, ऑल्टरनेटिवली द गवर्नमेंट हैज टू प्रोक्योर द कमोडिटी एट द डिक्लेयर्ड प्राइसेस, दिस इज नॉट फीजिबल एज द गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट अ ह्यूज नेटवर्क फॉर प्रोक्योरमेंट फॉर ऑल कमोडिटीज। तो उन्होंने तो कहा एमएसपी भी नहीं देना चाहिए, किसान भी भटके हैं और कानून भी गलत है। तीसरे सदस्य हैं माननीय अनिल घनवंत साहब, जो एक संगठन के प्रमुख हैं। अब घनवंत साहब तो इससे भी आगे चले गए, वो तो जाकर मेमोरेंडम लेकर आए, चिट्ठी लिखकर देकर आए और उन्होंने ये कहा कि ये कानूनों से ही असली आजादी मिलेगी, यानी इन 3 काले कानून जो हैं वो ना केवल सही हैं, उन्हीं से आजादी मिलेगी और वो इन काले कानूनों को लागू करने के हक में अपने संगठन के माध्यम से प्रदर्शन तक कर रहे हैं।
द संगठना हैज वेलकम द 3 फार्म बिल्स पास्ट इन पार्लियामेंट अमिड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बाय द अपोजिशन एंड टर्म देम इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम. द न्यू लेजिस्लेशन limits powers of APMC and this is a welcome step, said Ghanwant. ये हमारे Ghanwant साहब. चौथे जो मेंबर हैं उन्हें कहा कि वो ऑल इंडिया किसान जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो सरकारी एक कमेटी है, वो उसके चेयरमैन हैं भूपेंद्र सिंह मान साहब. और उन्होंने 14 दिसंबर को ये चिट्ठी लिखी बाकायदा, और वो मिलकर आए मंत्री जी से. और इस चिट्ठी में क्या लिखा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. मान साहब ने, उन्होंने लिखा, आज भारत की कृषि व्यवस्था को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 3 कानून पारित किए गए हैं, हम उन कानूनों के पक्ष में सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं. ये तो मोदी जी की कमेटी के सदस्य हैं पहले से. और ये हैं साथी, ये नरेंद्र तोमर जी को भूपेंद्र सिंह जी, ये वो फोटो है, गए और ज्ञापन देकर आए कि 3 काले कानून लागू करिए, हम ये सब आपको भेज रहे हैं. अब सवाल ये है कि कमेटी के जब चारों सदस्य पहले से ही मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के काले कानूनों के साथ खड़े हैं, खेत और खलिहान की मोदी जी की साजिश के साथ, बेचने की साजिश के साथ खड़े हैं, तो ये कमेटी किसानों से न्याय कैसे करेगी या कैसे कर सकती है, और इसका नतीजा क्या निकलेगा? हम सबको, हमें नहीं मालूम कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तथ्य किसी वकील ने रखे भी या नहीं रखे, क्योंकि जो आंदोलनकारी किसान बॉर्डर पे बैठे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं. तो सुप्रीम कोर्ट कौन गया? सुप्रीम कोर्ट साथियों यही संगठन गया हुआ है. ये ऑल इंडिया जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये तो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर है. तो पेटिशनर को ही कमेटी का सदस्य कैसे बनाया जा सकता है? ये बड़ी अजीब बात है. अब हमें नहीं पता माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को किसने ये नाम दे दिए, इनकी, इनके बैकग्राउंड और इनके स्टैंड की जांच क्यों नहीं करवाई गई? ये चारों व्यक्ति इन काले कानूनों के पक्षधर हैं और मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो ऐसे में इस कमेटी से न्याय कैसे मिलेगा? ये देश के हर नागरिक को समेत माननीय सुप्रीम कोर्ट को सोचने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो किसान की पक्ष में बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तो किसानों के प्रति चिंता जाहिर कर रही है, मुख्य न्यायाधीश तो निराशा जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं सरकार से कि वो किसानों की स्थिति से निपटते नहीं. और जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है वो सारी मोदी जी के साथ खड़े हैं, इन काले कानूनों के साथ खड़े हैं. तो काले कानूनों की पक्षधर 4 सदस्यीय कमेटी क्या खाक न्याय करेगी किसानों से? इसलिए इस पर जरूर अंतर्मंथन की देश को जरूरत है. इसलिए हमारे किसान भाइयों ने भी साफ कहा, जो कांग्रेस ने कहा, जो राहुल गांधी जी ने कहा, कि केवल एक ही सोल्यूशन है, इन 3 काले कानूनों को खत्म करिए. और साफ है सरकार धक्का मार के किसानों को कभी कहती है सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कभी कहती है हम कानून खत्म नहीं करेंगे, और साथ में कहते हैं 15 जनवरी को वार्तालाप करेंगे. 15 जनवरी को प्रधानमंत्री जी को बातचीत करनी चाहिए. यह आज पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गया, साफ है सुप्रीम कोर्ट कैसे निर्णय कर सकती है एग्जेक्टिव का, इसलिए उन्होंने कहा कि यह सरकार का काम है. तो सबसे बड़ी कमेटी तो पहले से ही खेती के मंत्री के नेतृत्व में बनी हुई है. ये जो आज कमेटी बनी, हमें बड़ी आशा थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के चिंता जाहिर करने के बाद कुछ ना कुछ हल निकलेगा,
पर जब इनका बैकग्राउंड जांचा गया तो ये तो चारों सदस्य जो हैं, इनमें से एक तो उसी संगठन का सदस्य है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इन कानूनों को लागू करवाने के लिए गया। तो हल क्या निकलेगा साथियों, ये सवाल आज इस देश के जहन में हम छोड़कर जाना चाहते हैं। किसानों को इस कमेटी से न्याय नहीं मिल सकता, एक लाइन की बात है। जो पहले से ही मोदी जी के साथ खड़े हैं, जो पहले से ही काले कानूनों के साथ खड़े हैं, जो पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करवाने के साथ खड़े हैं, ऐसे सदस्यों से कुछ न्याय नहीं मिल सकता। इस पर हर व्यक्ति को सोचना चाहिए और अंतर्मंथन करने की जरूरत है। धन्यवाद आपको। आदरणीय मित्र, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो इन कानूनों पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का पहले दिन से और हमारे सदस्यों का साफ रहा है। ये तीनों काले कानून हैं, इन्हें खत्म करिए, क्योंकि देश की खाद्य सुरक्षा इससे खत्म हो जाएगी। देश की खाद्य सुरक्षा के तीन स्तंभ हैं, एक है न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा है राशन प्रणाली और तीसरा है सरकारी खरीद। ये सब लोग समेत भूपेंद्र सिंह मान के इसके खिलाफ हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है, ये तीनों काले कानून खत्म हो, इससे ज्यादा इससे कम कुछ मंजूर नहीं। और भूपेंद्र सिंह मान जी और उनके मित्र तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं मोदी जी के पक्ष में और यहां मोदी जी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, जो मेमोरेंडम की प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं। मैं आप ये कहें कि कोई 1947 में सदस्य रहा होगा, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि तीनों काले कानून गलत हैं, और भूपेंद्र सिंह मान जी का क्या है कि वो मोदी जी के साथ हैं। मैंने आपको जो कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति का कांग्रेस से ताल्लुकात हो ही नहीं सकता। आदरणीय साथी, बार बार इस मंच से हमने कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का गैर कानूनी या राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेवारी किसकी है? अमित शाह जी की। तो वो कार्रवाई करते क्यों नहीं? अदालत में केवल कहने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई करिए। और पहले दिन से ही किसान आंदोलन को नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्र विरोधी तगमा देने की कोशिश की है, षड्यंत्र किया है। याद करिए, सरकार के मंत्रियों ने सार्वजनिक तौर से किसानों को देशद्रोही तक कह डाला। हमारे जो किसान भाई हैं उनको कभी खालिस्तानी कहते हैं। जेपी दलाल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहते हैं। कोई उन्हें, एक और मंत्री सरकार के, उन्हें नक्सलवादी कहते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी उनको राष्ट्र विरोधी कहते हैं। तो पहले ये तो निर्णय कर लो, वो चीन के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, खालिस्तानी हैं, नक्सलवादी हैं, उग्रवादी हैं, हैं कौन? सरकार ही अभी तक ये फैसला नहीं कर पाती। हर रोज एक नई गाली, हर रोज एक नई बदनामी का तगमा किसान के ऊपर, जो 70 लोगों ने कुर्बानी दे दी, मर गए काले कानूनों के खिलाफ, उन देश के अन्नदाताओं, देश का पेट पालने वालों के खिलाफ हर रोज नया षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी करती है। उनके कुछ चुने हुए मीडिया के मित्र भी करते हैं, उनका सोशल मीडिया के लोग भी करते हैं, पर इस देश के लोग, इस देश का किसान जो देश का भी पेट पालता है और देश की सीमा पर जो लोग खड़े हैं, जो जवान सर्दी में चीन के सामने सीना ताने खड़े हैं पेंगोंग लेक एरिया में, वो इन्हीं किसानों के बेटे और बेटी हैं मोदी जी। वो सैकड़ों लोग जो छुट्टी लेकर फौज से, जो फौज में सर्विंग अधिकारी और सिपाही हैं, वो जो छुट्टी लेकर इन किसानों के साथ खड़े हैं, वो इस धरती के बेटे हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। वो हजारों एक्स सर्विसमैन, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, कर्नल, कैप्टन, ब्रिगेडियर, वो सब जो इस धरने पर बैठे हैं, वो देशद्रोही नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी दी है भारत माता के लिए। देशद्रोही वो हैं जो इन काले कानूनों को लागू कर रहे हैं। देशद्रोही भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं
जो किसानों को गाली दे रहे हैं, राष्ट्रद्रोह मोदी सरकार कर रही है, क्योंकि राष्ट्रद्रोह सबसे बड़ा वो है जो अन्नदाता की रोटी छीन ले, और वो मोदी सरकार ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। ये तीनों काले कानून खेत खलिहान को पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर बेचने का मोदी जी का षड्यंत्र है, और इन तीनों काले कानूनों को खत्म करना चाहिए। उससे कम देश के अन्नदाता को और कांग्रेस को और विपक्षी दलों को कुछ मंजूर नहीं। ये तीनों काले कानून देश की खाद्य सुरक्षा पर हमला है, जिसके तीन स्तंभ हैं। पहला है सरकारी खरीद, दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, और तीसरा है राशन प्रणाली, जिससे 86 करोड़ लोगों को 2 रुपये किलो का अनाज देते हैं। इसलिए कांग्रेस का पुरजोर विरोध जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा, और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मोदी सरकार के तीनों काले कानून खत्म नहीं करवाएंगे। हर बार ये सवाल पूछते हैं कोई ना कोई मित्र, और हर बार मैं इसका जवाब देता हूं। 26 जनवरी इस देश के संविधान का प्रतिबिंब है, खास तौर से एक ऐसी सरकार जब सत्ता में हो जो संविधान को रौंद रही हो, जो अन्नदाता के अधिकारों को रौंद रही हो, तो 26 जनवरी और ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई विदेशी मेहमान आए या ना आए, 26 जनवरी को पूरे धूमधाम से ऑब्जर्व करने मनाने की जरूरत है। हम इसके पक्षधर हैं, और आदरणीय साथी मैं आपको दुरुस्त करूंगा, किसानों ने कभी यह नहीं कहा कि वो 26 जनवरी की परेड के अंदर दखल अंदाजी करेंगे। कृपया करके किसानों को बदनाम मत कीजिए, मैंने आज तक आपके टेलीविजन चैनल या समाचार पत्र में कभी ये पढ़ा नहीं, क्योंकि किसान का बेटा कौन है? किसान का बेटा ही तो वो जवान है जो 26 जनवरी को परेड करेगा। किसान ने केवल ये कहा है कि वो 26 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे, तो क्या संविधान के पक्ष में किसान अपनी रैली नहीं निकाल सकता? जरूर निकाले जी। नहीं, न कांग्रेस का कोई साथी कोर्ट गया, न हम जाएंगे, क्योंकि हमारा यह मानना है कि कानून खत्म करने की ताकत, गैर कानूनी तरीके से जो तीन काले कानून बनाए थे, वो देश की सरकार और संसद के पास है, और मोदी जी इन तीनों काले कानूनों को खत्म करें। सीधा निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना है कि उनकी कमेटी जो उन्होंने बनाई, मैंने इसीलिए कहा पता नहीं किसने ये नाम दे दिए माननीय उच्चतम न्यायालय को, जो किसानों के पक्ष में इस प्रकार से चिंता के तौर पर खड़ी है। ये तो चारों मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस पे जरूर अंतर्मंथन करने की जरूरत है। साथ ही प्रधानमंत्री केवल भटकाते हैं, एक भटकाऊ प्रधानमंत्री सत्तासीन है, इसलिए उनकी भटकाव के झांसे में आप मत आइए। आप बड़े सूझवान पत्रकार हैं और आपका चैनल भी बड़ा सटीक चैनल है, तो आप भटकिए मत, क्योंकि अगर आप भटक जाएंगे तो प्रजातंत्र भटक जाएगा। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।